नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करूंगा वंदे मेट्रो से रिलेटेड कुछ नए रेंडर्स, वीडियोस और फोटोज सामने जैसे कि आ ही रहे हैं। तो उसमें से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके का इंटीरियर अब वंदे मेट्रो का तैयार हो रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ किस तरीके की दिखती है हमारी वंदे मेट्रो बाहर से, और इसका फ्रंट जो है अभी उसका पूरा जो फर्निशिंग का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका फोटो तो कोई अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन विंडशील्ड लग चुकी थी और अभी इंटीरियर आप लोग देखिए किस तरीके के इंटीरियर बन चुके हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने इंटीरियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीटिंग है वो बिल्कुल मुंबई की एसी लोकल की तरह ही लग रही है, लेकिन जो कुशनिंग है मेरे को पहली नजर में थोड़ी अच्छी लग रही देखने में कि ज्यादा कंफर्टेबल इसकी सीट्स होंगी कुशनिंग के मामले में। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा देखने को मिल रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरा जो कि इस तरीके की ट्रेन में बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में जल्दी जल्दी सफर करते हैं, और ऐसे में अगर किसी की कोई चीज चोरी हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा इस चीज में काम आ सकते हैं। और ऐसे में आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो वॉशरूम है उसकी डिजाइन बिल्कुल वंदे भारत के जो वॉशरूम है उसकी तरह ही लग रही है। तो यहाँ पर चीजें बहुत हद तक वंदे भारत ट्रेन जैसी ही रखी गई है। एसी वेंट्स आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल मुंबई लोकल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन मैं इसको कह सकता हूँ इंटीरियर के हिसाब से। और साथ में ही पैसेंजर के खड़े रहने के लिए, ऊपर होल्डिंग के लिए हुक वगैरह सब वैसे ही दिए गए हैं जैसे कि हमारी मुंबई लोकल्स में होते हैं। इंटीरियर में जो कलर स्कीम है वो काफी लाइट लग रही है देखने में। तो दो तरह के ऑपरेशन के लिए ट्रेन तैयार की जा रही है, वंदे रीजनल जो कि 12 कोचेस की होगी, और वंदे रैपिड। इस ट्रेन की स्पीड 130 केएमपीएस से ज्यादा नहीं होने वाली है क्योंकि इसका ऑपरेशन ही कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर स्पीड सफिशिएंट है। तो दोस्तों इस तरीके की रेंडर वीडियोस आगे भी आती रहेंगी, आप लोगों को मेरे चैनल पर इसकी जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपनी राय देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।